गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी सेकंड ग्रेड की। देखिए, आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि आपका ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस में टॉपिक नंबर आपका एलपीपी बहुत ही प्यारा और शानदार टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। और स्टूडेंट ये आपको चार में से चार क्वेश्चन पूरे पूरे दे सकता है, अगर आप मैं जो आपको आज बता रहा हूं वो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि उन सब टॉपिक्स पर एलपीपी के जहां से कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं, केवल आरपीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली केवीएस, एनबीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, दिल्ली सेवा अधीनस्थ बोर्ड, वहां पर सभी की आज बात की जाएगी। और साथ में आपके अभी रिसेंटली एसीएफ, एफआरओ और पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर में स्टूडेंट जहां जहां क्वेश्चन बने हैं उन सब पर अपन डिस्कस करेंगे एलपीपी पर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, लेंदी भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे शिकायत है कि स्टूडेंट वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जो मटेरियल आपको यहां वीडियो दे रहे हैं स्टूडेंट एकदम यूनिक वीडियोज हैं, तो इनको आप सराह रहे हैं, कमेंट भी आते हैं, लेकिन अगर मैं जाकर देखता हूं तो उस अनुपात में स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आगे अभी बहुत लंबी श्रृंखला चलेगी, अभी तो एग्जाम आपके दिसंबर में, उसके बाद फिर आपके कल ही सीट्स फिर बढ़ी है, इंक्रीज हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट की, तो अभी तो बहुत लंबा चलना है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं डालता रहूंगा। चलिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। हाँ, हो सकता है कि गुच्छे के लास्ट चाबी से ताला खुल रहा हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, एलपीपी रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या, आपको पता है इस प्रश्न से चार क्वेश्चन पुट अप होंगे, जो नया सिलेबस आने से पहले पांच होते थे। ठीक है, क्लियर कट बात। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपका 100% नहीं तो 99% तो आता ही आता है, वो है स्टूडेंट आपका ग्राफ से हल। ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष पूछा गया है सेकेंड ग्रेड के अंदर, और इवन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट एलपीपी ऐसा टॉपिक है जो आपके नेट सेट तक भी आता है। नेट में भी मैं अगर बात करूं आपका, तो इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता था ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने का, एलपीपी से अनबाउंडेड है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ज्यादातर वो आते थे कॉर्नर पॉइंट से फिजिकल सॉल्यूशन निकालने वाला। ठीक है, लेकिन ग्राफ से हल वाले टॉपिक को आप छोड़िएगा नहीं, इजी टॉपिक है, 12th लेवल में आपको आराम से मिल जाएगा बुक के अंदर, और यहां से एक क्वेश्चन लगभग लगभग आ ही जाता है, तो आप ये टॉपिक को नहीं छोड़े। ठीक है, ये टॉपिक तो आपको करना ही, सरल टॉपिक है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज्यादा 7-8 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। देखिए, दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन जो आता है वो है आपका अवमुख समुच्चय से। अवमुख समुच्चय स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट इसमें एक तो आता है कि अवमुख समुच्चय कौन सा है वो ही पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि अवमुख सेट कौन सा है, एक तो ये आता है, और दूसरा स्टूडेंट इसमें जो थ्योरम्स है ना, प्रमेय ज्यादा नहीं है, 4 या 5 ही थ्योरम्स है, एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ए कॉन्वेक्स सेट, एडिशन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ए कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, बस इस टाइप की 5 या 6 थ्योरम्स हैं, अगर उनको आप अच्छे से समझ करके, देखिए समझ करके याद करना, ये तो फिर वो महा जो एबीसीडी में जो आता है ना वो आपको पता है अगले को कि आपने कहां चीजें रटी हैं, तो उसी में फॉरबिदर कर देता है। ठीक है, तो नंबर 1 ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट मिल जाएगा, अगर आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 या 9 क्वेश्चन नहीं है ग्राफिकल सॉल्यूशन के। अवमुख समुच्चय बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, एक तो जनरली आता है अवमुख समुच्चय कौन सा है, या तो आपको फिगर बना के दे देगा या आपको कोई भी कर्व दे देगा। एक आता है बेस्ड थ्योरम, स्टूडेंट आप ये तैयार कर लेंगे तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके लगभग यहां से आते ही आते हैं जहां तक मैंने देखा है अभी तक। ठीक है, देखिए नंबर 3 पे बात करूं स्टूडेंट बेसिक सॉल्यूशन पर क्वेश्चन ज्यादातर फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं नहीं आता है, पूछा गया है, कभी कभार आ ही जाता है, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। मैं फिर बता दूं आपको, हम टॉपिक पर डिसाइड कर रहे हैं, उन टॉपिक पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन अमूमन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 टॉपिक हो गए, ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, कॉन्वेक्स सेट हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए बेसिक सॉल्यूशन, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आता, मैं फिर बता दूं, लेकिन पूछा गया है,
2018 की शायद मैं बात करूं, शायद मुझे ध्यान है 2018 में शायद आया है बेसिक सॉल्यूशन पर क्वेश्चन, 2018 में एक में पाया है। चलिए अब नंबर चार पर स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो वो है स्टूडेंट आपका सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन भी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं। अब देखिए दो दो क्वेश्चन वहां से आ गए, ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से बचता है, सिंप्लेक्स मेथड से बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट कि इसका जो टेबल बना, मैं फिर बता दूं टेबल बनती है स्टूडेंट इसमें आपको, ठीक है। तो आपको इसके दो पार्ट है, एक तो पार्ट है आपका बिफोर टेबल, ठीक है। बिफोर टेबल मतलब कैसे, आपके जो पूरा फॉर्मेशन जो पूरा बना हुआ है आपका उस प्रॉब्लम का वो आ सकता है, स्लैक वेरिएबल्स, न्यूनतम पूरक चर, सरप्लस वेरिएबल, आदि की पूरक चर, और इसमें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, एंट्रिंग वेक्टर कौन सा है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं एंट्रिंग वेक्टर एक बार पूछा गया है टेबल बना करके 2018 शायद मैं गलत नहीं हूं तो संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था। ज्यादातर धारणा यही थी अभी तक तो कि टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस मिथक को तोड़ा 2018 आरपीएससी संस्कृत सेकंड ग्रेड के पेपर में तो टेबल बनी हुई आई थी और फिर क्वेश्चन पुटअप हुई थी। तो सुना आप इस भ्रम में नहीं रहे कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, शुरुआत हो चुकी है 18 के अंदर से, उसके पहले मैंने कभी देखा नहीं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आ चुका है 18 में संस्कृत पैटर्न आता, मुझे ध्यान है अच्छे से, तो उसने एंट्रिंग वेक्टर शायद पूछ लिया था टेबल पर, ठीक है, की एलिमेंट है, एंट्रिंग वेक्टर है, डिपार्टिंग वेक्टर, स्टूडेंट वो सारी चीजें आपकी टेबल पर बेस्ड होती हैं, शुरुआत हो चुकी है, वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, टेबल बनी हुई आई थी, इसने ये पूछ लिया था कि भाई एंट्रिंग वेक्टर कौन सा है, वो आपसे पूछ सकता है की एलिमेंट कौन सा है, आपसे पूछ सकता है डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा है, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा सारी चीजें, टेबल बनी हुई आई थी। तो आप इस भ्रम में नहीं रहे कि टेबल की प्रैक्टिस करनी है आपको, कम से कम जो हम जो उसकी जो इटरेट करते हैं 3 से 4 बार इतना नहीं करना पड़ेगा, केवल एक ही टेबल आई और उसी टेबल में जो उसको पूछना होगा वो पूछ लेगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपसे जेड जे माइनस सीजे पूछ सकता है, ठीक है, जेड जे माइनस सीजे पूछ सकता है, वो चाहे तो आपका मैं फिर भी कह रहा हूं की एलिमेंट पूछ सकता है, ठीक है, आपका एंट्रिंग वेक्टर पूछ सकता है, डिपार्टिंग वेक्टर पूछता है, ये चार चीजें आ सकती है टेबल पर बनी हुई, ठीक है, टेबल बनाने के लिए नहीं भूलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सिंपल मेथड में आपकी एक तो होता है बिफोर टेबल, बिफोर टेबल मैंने आपको बता दिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल कब एड होते हैं, स्लैक वेरिएबल्स है, सरप्लस वेरिएबल्स है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करने का है, वो सब बिफोर टेबल का है, और आफ्टर टेबल भी क्वेश्चन चूंकि पुटअप हुआ है जिसमें आ सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है आपका सिंपलेक्स मेथड से, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, इसके साथ में ड्यूल प्रॉब्लम एड कर दी है, ठीक है, ड्यूल प्रॉब्लम। तो सर मेरे ख्याल से इस बार क्वेश्चन एक यहां से बनेगा ड्यूल प्रॉब्लम से, क्योंकि ये सिंपल है, छोटा है, सिंपलेक्स के बाद ड्यूल बन जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इस बार ये छुपा रुस्तम है ड्यूल प्रॉब्लम, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत सिंपल है, मुश्किल से 3 या 4 मिनट का ही काम रहेगा कि आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा ये क्वेश्चन फिर मैं बता देता हूं, अक्सर कर जिन जिन भी एग्जाम्स में ड्यूल प्रॉब्लम रहा है टॉपिक में, वहां से क्वेश्चन यही आता है, सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कीजिए, बस इतना ही आता है, जेड पी कन्वर्ट इन जेड डी, बस इतना ही आता है, बस इसके अलावा ड्यूल प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, जो जहां तक मैंने देखे अभी तक, भले ही हायर लेवल एग्जाम हो, नेट का हो, कॉलेज का हो, तब भी क्या पूछता है, सिंप्लेक्स को ड्यूल में कन्वर्ट कर दीजिए, इतना ही पूछा जाता है। इसलिए ये मेरे लिए इस बार छुपा रुस्तम है ड्यूल प्रॉब्लम, इस साल एड हुआ है, सिंप्लेक्स का हो सकता है क्वेश्चन कट जाए, नहीं नंबर लगे, और ड्यूल का नंबर इस बार लग सकता है, इस बात के लिए इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इस बार छुपा रुस्तम है ये ड्यूल प्रॉब्लम, ठीक है, छोड़िएगा नहीं इसको, कम मेहनत में भी आपको अच्छा आउटपुट दे सकता है। चलिए क्वेश्चन अब आता 6 परिवहन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, स्टूडेंट ये आपको एक क्वेश्चन देता ही देता है, हमेशा वन क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से, जनरली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो 3 मेथड हैं आपके वो नहीं पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे गए, फिर मैं बता दूं आपको, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हो गया, कौन आपका पेनल्टी मेथड हो गया, या आपका लो कॉस्ट इंफिनिटी, वो कभी नहीं आते हैं, बनाने के लिए भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए,
क्वेश्चन को साथ स्टूडेंट आप जो अलोकेट करते हो चीजों को उस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है। इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रीक्वेंट स्टूडेंट वो आपके आता है रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या, ये इस पर इतना ज्यादा पूछा गया है कि आश्चर्य होता है कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं है इसके अलावा। रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एम्प्टी सेल वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे ध्यान है 3 बार तो शायद पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लगा के इवन कॉलेज लेक्चर में भी आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ एम्प्टी सेल बार बार आता रहता है परिवहन समस्या के अंदर, इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से आता ही आता है, 4 क्वेश्चन अपने लगभग बन गए। अब रहा नंबर 7 पर आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम नियंत्रण समस्या, वो जनरली छूट जाता है क्वेश्चन उससे कम ही आता है, दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा मैं फिर बताता हूं आपको, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन बन गए, ग्राफिकल सॉल्यूशन, अमुक समुच्चय, ड्यूल और ट्रांसपोर्टेशन, मेरे हिसाब से ये 4 टॉपिक से इस बार 4 क्वेश्चन पुटअप हो जाने चाहिए, जहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये ड्यूल प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है इस बार सिंप्लेक्स के कंपेरिजन में। अब देखिए क्या आता है, लेकिन ये टॉपिक जो है वो कम से कम आपको कर ही लेने हैं जहां से क्वेश्चन बैठने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। मेरे हिसाब से ये वो टॉपिक मैंने बताया जहां से क्वेश्चन आता भी है, और देखिए इस बार क्या, लेकिन आपको ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कैसा रहा लगा वीडियो आप मुझे आपको कमेंट्स का इंतजार रहेगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, ओके थैंक्स।